इल्जामात केस में कैप्टन रिटायर्ड सफदर की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। पेशावर हाईकोर्ट ने जमानत कबलस गिरफ्तारी की दरखास्त पर फैसला सुना दिया है। बिल्कुल, कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने नैब गिरफ्तारी से बचने के लिए दरख्वास्त दायर की थी। चेयरमैन नैब ने केस में मोहम्मद सफदर के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। असासजात केस में कैप्टन रिटायर्ड सफदर की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। पेशावर हाईकोर्ट ने जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने नैब गिरफ्तारी से बचने के लिए दरख्वास्त दायर की थी। चेयरमैन नैब ने केस में मोहम्मद सफदर के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। तहम अब यह खबर आई है कि असासजात केस में कैप्टन रिटायर्ड सफदर की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। पेशावर हाईकोर्ट ने जमानत कबलस गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने नैब गिरफ्तारी से बचने के लिए दरख्वास्त दायर की थी। चेयरमैन नैब ने केस में मोहम्मद सफदर के वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए थे। असासजात केस के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। पेशावर हाईकोर्ट ने जमानत कबलस गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर अपना महफूज किया गया फैसला सुना दिया है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए दरख्वास्त दायर की थी। और अभी आपको खबर दें कि हब में माबल सिटी के करीब मुसाफिर बस और ट्रक में तसादुम